डिप्टी कलेक्टर हिमकत अला की शहादत को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। बता दें कि 1857 के संघर्ष में फतेहपुर जनपद की धरती पर जब जलें लगी थी, तब फतेहपुर जिले में तैनात डिप्टी कलेक्टर हिमकत अला ने देश प्रेम से प्रेरित होकर ब्रिटिश हुकूमत की नौकरी से त्यागपत्र देकर देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और 10 जून को जेल में बंद सभी कैदियों को मुक्त कराकर स्वतंत्रता सरकार के रूप जिले के प्रथम कलेक्टर के रूप में प्रशासन शुरू किया, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत ने एक लड़ाई में मेजर हैवलॉक ने गिरफ्तार कर 12 जून 1857 को उन्हें सदर कोतवाली के गेट पर फांसी दे दी थी। गंजरवाला ब्लॉक क्षेत्र में 3 दिन से बिजली आपूर्ति न मिलने से ग्रामीणों में फूटा आक्रोश। ग्रामीणों ने सड़क पर बैठकर किया धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। बिजली न मिलने से ग्रामीणों को हो रही थी काफी परेशानी। मौके पर पहुंची पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी। बिजली विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। दुल्हन सजधज कर दूल्हे का इंतजार करते रही, दुल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा। इसमें दुल्हन खफा होकर थाने पहुंची। थानेदार से कहा, मंगेतर आयरलैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, शादी में 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई, बाद में 50 लाख रुपए देने का दबाव बनाया गया, रुपए नहीं दिए तो बारात लेकर नहीं आया। थोड़ी देर बाद दूल्हा थाने पहुंचा। दूल्हे का कहना है कि मुझे कमरे बंद कर जूतों से पीटा गया। थानेदार ने दोनों पक्ष को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन बात नहीं बन पाई। मामला झांसी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा शरौनी बॉर्डर से नेपाल जाने के दौरान विदेशी नागरिक गिरफ्तार। भारत में अवैध रूप से कर रहा था निवास। नेपाल जाते समय सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने पकड़ा। विदेशी नागरिक के पास से जर्मनी के निवासी होने का प्रमाण पत्र मिला है। भारत में रहने की समय सीमा हो चुकी थी समाप्त। पकड़े गए विदेशी नागरिक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज। भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा शरौनी बॉर्डर का ये पूरा मामला। झांसी में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी दुर्घटना और आपराधिक घटना के संबंध में सूचना शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस बल द्वारा त्वरित और प्रभावी कार्रवाई किए जाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। भारतीय जनता पार्टी से अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री सिद्धू गोपाल अहिरवार पर लगे गंभीर आरोप। क्षत्रिय ब्राह्मण और सवर्णों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कार्रवाई न होने पर चंद पर बैठेंगे क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा और सवर्ण। सिद्धू अहिरवार के द्वारा किए गए अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया पर जमकर हो रही वायरल। हमीरपुर में कलेक्ट्रेट परिसर का पूरा मामला। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। टक्कर से युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। अपने ससुराल से घर कंजवाड़ा जा रहा था मृतक युवक, रास्ते में दुर्घटना से हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना इकौना क्षेत्र के पांडेपुरवा की पूरी घटना। महोबा में यूपी के बड़े सिंडिकेट का हो रहा खुलासा। उन्नाव बस दुर्घटना के बाद चल रही जांच, कई नाम केयर ऑफ में है दर्ज। आपको बता दें कि उन्नाव में बस हादसा महोबा से जुड़े होने पर जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। पुष्पेंद्र सिंह नामक व्यक्ति के पते पर दर्ज करीब 40 बसों का डाटा सामने आया है। केंद्र समेत दुनिया के सभी राज्यों में शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन आज भी कई जगह ऐसी है जहां मासूमों को बाल मजदूरी कराई जा रही है। तमाम कानून के बाद भी इसका पालन कराने वाले जिम्मेदार लोग आंख बंद कर बैठे और माफिया मासूमों को मौत के मुंह में झोंक कर लाखों रुपए बना रहे हैं। एक तरफ योगी सरकार बच्चों के प्रति उन्हें शिक्षा और उनका जीवन संवारने के लिए कई योजनाएं चला रही है, वहीं माफिया मासूम बच्चों को मौत के मुंह में झोंक रहे हैं। मामला जनपद झांसी के बिजौली क्षेत्र स्थित बनी खोतिया का है, जहां एक भाई जान नाम का कबाड़ी माफिया छोटे छोटे गरीब बच्चों को 100 से 200 रुपए का लालच देकर उन्हें 1000 फीट गहरी खाई में उतराकर उनसे कबाड़ मारा है। उसी कबाड़ से प्रतिदिन लाखों रुपए बनाता है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जेली चुंगी से हुई 3 कैदी पुलिस कस्टडी से फरार हैं। तीनों कैदी चोरी के आरोपी थे, जो कि शामली पुलिस उनको मेरठ जेल छोड़ने आई थी। तीनों कैदी जुनाइल बताए जा रहे हैं, जिनको चोरी के मामले में मेरठ लाया गया था। थाना सिविल लाइन पुलिस ने तीनों पुलिसकर्मियों पर मुकदमा किया। एक सिपाही अर्जुन, होमगार्ड सुनील कुमार और दीवान ज्ञानेंद्र पर हुआ मुकदमा दर्ज। बरेली में बेखौफ हुए मनचले। थाना प्रेमनगर कुलपहाड़ी पीर पेट्रोल पंप ड्यूटी पर तैनात महिला आरक्षी के साथ पता पूछने के बहाने की मारपीट, गाली गलौज, अपशब्दों का इस्तेमाल। महिला आरक्षी के साथ घटित इस घटना से शौहरी के हौसले बुलंद हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां उत्तर प्रदेश योगी सरकार लड़की को सुरक्षा की बातें कर रही है, वहीं इस तरह की घटना सामने आ रही है। सहारनपुर के थाना नुक्कड़ पुलिस चोरी से खैर के पेड़ को काटकर उनकी तस्करी करने वाले 4 अंतर्राज्यीय लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे चोरी की गई खैर की लकड़ी और घटना में इस्तेमाल वाहन रुपए बरामद हुए। पुलिस लाइन से सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी इतिहास आगर जैन ने पूरे मामले का खुलासा किया। जिलाधिकारी ने किया निर्माणाधीन पॉलिटेक्निक कॉलेज का औचक निरीक्षण। डीएम ने दिए निर्देश, निर्माण पूरा करके हैंडओवर करने का निर्देश। डीएम ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के गुणवत्तापूर्ण नियम निर्माण पर दिया जोर। डीएम बोले, जल्द से जल्द निर्माण हो पूरा, जिसमें सुधार सके छात्र और छात्रों का भविष्य। बिजनौर के थाना नहटौर क्षेत्र के नूरपुर मार्ग पर तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिरोजाबाद के नगर पंचायत मकनपुर के वॉल्टीगढ़ वार्ड नंबर 4 में कालीमाता का मंदिर के पास दबंगई से भैंस बांधता है, जिससे मंदिर में पूजा करने वाली महिलाओं को होती है दिक्कतें। मामला मकनपुर के वॉल्टीगढ़ वार्ड नंबर 4 का है, जहां कालीमाता के मंदिर के पास ही गांव के राममूर्ति अपनी दबंगई के बल पर भैंसों को बांधता है।
पौड़ी जिले में मॉनसून सीजन पर लगातार मिल रही येलो और ऑरेंज पर एडिशनल एसपी ने जया बलूनी ने जिले के समस्त सीओ थाना कोतवाल और पुलिसकर्मियों के साथ बैठक कर उन्हें अलर्ट रहने के निर्देश दिए। एडिशनल एसपी ने कहा कि मॉनसून सीजन पर पुलिस अधीक्षक चौकन्नी रहे, किसी वक्त आपदा के घटित होने वाले क्विक रिस्पॉन्स के साथ आपदा राहत और बचाव कार्य को पूरा किया जाए। हरिद्वार के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और कलियर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने देव व्यापार में संलिप्त 19 लोगों की गिरफ्तारी की। कलियर सोलहपुर रोड स्थित रहमत साबिकेट हाउस से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में 8 महिलाएं 11 पुरुष शामिल हैं। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। संबंध जिले के परिषदीय विद्यालयों में दिखाई देगी भारतीय संस्कृति की झलक। परिषदीय विद्यालयों में महिला शिक्षकों को ननिहाल, मैडम, नहीं दीदी या बहन जी कहकर बुलाएंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षकों को नमस्ते या जय हिंद बोलकर करेंगे उनका अभिवादन। विद्यालयों में पान, तंबाकू, सिगरेट और प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर लगाई गई रोक।